आता है सवाल कि ये आपके मन में आ रहा होगा कि भाई ये हमें पड़ेगा कितने में, है ना? तो 24 पाउच है, तो 24 पाउच का 5 रुपए के से जब आप हिसाब लगाएंगे तो इसका दाम 120 रुपए हो जाता है। तो 120 रुपए का, है ना, एमआरपी हो गई। जैसे ये मान लीजिए पनीर है, तो 120 रुपए का ये पनीर हो गया। अब आपको जो हम देते हैं, ये देते हैं 67 रुपये 50 पैसे में, 67 रुपीज़ 50 पैसे। अरे 120 वाला माल 67 रुपये 50 पैसे। अब आपको जो है 20% अपना प्रॉफिट जोड़ना है, तो 67 रुपये 50 पैसे में अपना 20% प्रॉफिट जोड़िए। तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? खरीदारी गुणे प्रॉफिट भागे 100, यानी 67 रुपये 50 पैसे गुणे 20%, 20 भागे 100, तो क्या आएगा? 13.5 रुपया। तो 13.5 रुपया आपको प्रॉफिट लेना है, और 67 रुपये 50 पैसे में आपकी खरीदारी है, तो आपने यदि जोड़ दिया तो वो आ जाएगा 81 रुपया। यानी आपको दुकानदार को 81 से 90 रुपये के बीच में इसको जो है बेचना रहता है। अब हम दुकानदार के पास जब जाते हैं तो वो कहता है कि भैया कोई स्कीम है, तो हम उसको कहते हैं यस, हमारे पास स्कीम है। हम जो है 9+1 का स्कीम देते हैं। 9+1 का मतलब 9 बंडल वो लेगा तो एक बंडल हम फ्री दे देंगे। इस तरह का 9 बंडल लेगा वो तो हम एक बंडल जो क्या करेंगे, ये फ्री दे देंगे। चाहे वो 9 बंडल पनीर ही ले, या हमारा जो है हल्दी धनिया मिर्चा एक एक बंडल ले ले, गरम ले ले, पनीर ले ले, ना छोले ले ले, जो भी ले ले, 10 का है 10 में जो है कोई भी ले ले 9, तो एक बंडल हम उसको कोई भी फ्री दे देंगे। जैसे वो कहता है कि हमको मटर मतलब मीट मसाला ही फ्री दे दो, तो मीट मसाला दे देंगे फ्री। वो कहता है चिकन दे दो, तो चिकन दे देंगे। तो अपने क्योंकि प्राइस सेम है सबका, जो है कितना प्राइस है, 120 रुपये है, तो उसको जो है कोई भी प्रोडक्ट हम दे सकते हैं। तो 9+1 का स्कीम का मतलब होता है 9 बंडल का दाम लगेगा और एक बंडल फ्री। तो हम दुकानदार को ये बोलते हैं कि 9 बंडल का मतलब 90 रुपये का एक बंडल है आपके लिए। यदि 9 बंडल लेते हो यानी 90 गुणे 9 यानी 810 रुपया, और मिलेगा माल कितना, 10 बंडल। तो एक बंडल का दाम 810 रुपया में 10 बंडल, तो एक बंडल 81 रुपया। तो इसलिए आपको 67 रुपये 50 पैसे में मिलेगा, 13.5 रुपया अपना प्रॉफिट, 81 रुपये से 90 रुपये के बीच में आपको ये माल बेच देना है। तो हमारा जितना भी 5 रुपये और 10 रुपये का जो माल होता है उसमें जो है 5 रुपये में 24 पीस रहता है, 10 रुपये में हमारा 12 पीस रहता है। तो 10 रुपये वाला भी MRP 120 होती है, वो भी आपको 67 रुपये 50 पैसे में मिलेगा, बेचना है 81 रुपये से 90 रुपये।